मिशन दिल्ली से कबल कश्मीर के अंदर सियासत तेज हो रही है, गर्माहट काफी ज्यादा देखी जा रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के बीच मुशावरत का सिलसिला कल से ही जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन की पार्टी के अलावा कांग्रेस व दीगर जमातों के इजलास कल से कुछ पार्टियों के हुए हैं और कुछ के आज दिन भर सरगर्मियां होंगी। और वजीर आजम दफ्तर के अंदर भी, दिल्ली के अंदर जहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चूंकि 24 तारीख का दोपहर 3 बजे का सबको इंतजार है, दिल्ली आने से पहले कोई हतमी फैसला वजीर इन पार्टियों की तरफ से या क्या कुछ लायमल रहेगा वो इन मीटिंग्स के दौरान, इजलास के दौरान श्रीनगर के अंदर कल से आज तक जो मीटिंग्स हुई कुछ चीजें सामने आई, लेकिन आज लगभग शाम तक तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी। इससे पहले कल पीएजीडी का जो इजलास होगा उससे पहले ही अब बाकी जमातें एक एक करके अपने अपने खेमों के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए एमएम अंसारी साहब हैं, सीनियर तजयकार हैं और जम्मू कश्मीर के मामलात को बहुत करीबी से जानते हैं, देखते हैं और हालात को बेहतर तरीके से परखते हैं। बहुत शुक्रिया एमएम अंसारी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो डेवलपमेंट पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, वजीर आजम दफ्तर से जो कोशिशें हुई और कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा गर्माहट देखी जा रही है, कैसे बतौर तजयकार आप देखते हैं मौजूदा हालात के बीच इस बड़े मूव को? ये देखिए, जो हुकूमत ने जो पहल की है वो जाहिर है कि सबने उसका वेलकम किया है और बड़ी अच्छी बात है कि बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हमारे सामने एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या है जिस पर बात होगी। तो जो मैं थोड़ा सा स्पेकुलेट कर पा रहा हूँ वो ये, पहली बात तो सवाल उठेगा कि ये जो आज कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए जो पहल की गई है, ये अगस्त 19 में जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया उससे पहले किसी तरह की क्यों नहीं पहल की गई, क्यों नहीं कंसल्टेशन किया गया? आपको याद होगा कि 2 या 3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब बल्कि प्राइम मिनिस्टर से मिले भी थे और कह रहे थे कि ये कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, आखिर क्या होने वाला है, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं हुई, ना तो उस वक्त के गवर्नर साहब ने दिया ना तो हुकूमत ने। लेकिन अब ये इस मीटिंग के बारे में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब भी ये मुलाकात अगर होती है तो उसमें सवाल तो उठेगा कि हुकूमत ने एक नया कश्मीर का वादा किया है, आखिर उसमें 2 सालों में क्या हुआ है, क्या हासिल हुआ है? ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर मुआहदा हुआ है, उस पर अमल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिटेंसी जो है वो खत्म नहीं हुई है, लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है, आखिर उस पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 का मुद्दा पड़ा हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई पहल नहीं हुई है और न उसमें कोई नतीजा कोई सामने आने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये मीटिंग होगी तो जाहिर है पहली बात तो ये कि कश्मीरी लीडरशिप इस बात को बहुत जोर से कहेगा कि पहले तो प्री अगस्त 19 जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, पहली बात तो ये होगी और जाहिर उसके साथ स्टेटस खुद वगैरह का मसला हो तय होगा। अब जहां रहा सवाल आपने जो डिलिमिनेशन की बात कही है कि जब तक वहां पे इलेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक कि डिलिमिनेशन की एक्सरसाइजेस पूरी नहीं होती, तो जो कुछ इंटरनल जो मामले हैं एरिया की हदबंदी का वो तो तय हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि नेशनल पार्लियामेंट ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पीओके को हम हासिल करेंगे और पीओके के लिए 24 सीट्स आपके यहाँ रिजर्व हैं, तो आखिर उनको किस तरह से डील किया जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक तो ये कि पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है वो स्टैंड करता है कि हम उसको हासिल करेंगे, दूसरा ये कि जब तक आप हासिल नहीं करेंगे फिर ये 24 का इसका मतलब ये कि वो इशू जो है वैसे ही के वैसे ही लटका रहेगा। और ये तो ठीक है कि जो पीओके से लोग आए थे उनको आपने वोटिंग राइट दे दी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आकर बसे हुए हैं जो नॉन पीओके एरियाज के हैं, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी हम लोगों के सामने कोई क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत क्या बात करना चाहती है। लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ वो ये सवाल यही होगा कि नया कश्मीर तो कुछ हासिल हुआ नहीं है, वहाँ के हालात अच्छे हुए नहीं है, वहाँ के तमाम लीडरशिप को जो परेशानियां हुई उनको जो कैद बंद रखा गया और आज भी 3 से 4 हजार लोग मुख्तलिफ जेलों में जिनको हम कहेंगे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, वो तमाम उनके बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला है।
हम सर साहब मैं माजरा चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है कि दिल्ली और कश्मीरी लीडरशिप के बीच ना ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट क्या इस मीटिंग से दूर होने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है, नंबर वन? और नंबर दो, अगर पीएचडी की बात हम करें जिसको लेकर कल से महबूबा मुफ्ती ने दोबारा रू फोंकने की कोशिश की है, तो फारूक अब्दुल्ला पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी? नहीं देखिए, जिम्मेदारी तो है, और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जो कुपकार जो के आल पार्टी जो ग्रुप है वो ये पहली बात तो ये तो डिमांड जरूर करेगा कि प्री अगस्त 19 का जो स्टेटस है वो बहाल किया जाए, उसके साथ जाहिर है 370 और 35A वगैरह तमाम चीजें आ जाती हैं। अब देखना ये, अब ये जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने जानिशान किया। एक और भी बात है कि जैसा आपने कहा कि 5 अगस्त जो है एक बड़ा ऑस्पिशियस डे माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि 5 अगस्त 19 को कश्मीर के बारे में फैसला लिया, इससे पहले मंदिर का भी फैसला लिया, तो बहुत स्पेकुलेशन ये भी है कि आने वाले 5 अगस्त को क्या करना चाहते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो कश्मीरी लीडरशिप से कंसल्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हुकूमत जो बीजेपी पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, जो चाहे जैसे चाहे ये करते आ रहे हैं कर लेंगे, फिर लेटर डिसीजन लेंगे। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर ये कंसल्टेशन हो क्यों रहा है। मेरे ख्याल से ये दुनिया को दिखाने के लिए हो गया कि देखिए पाकिस्तान से सीज फायर का मुआहदा हो गया और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कश्मीर के मसले को हम हल करेंगे। लेकिन मुझे कोई क्लियरिटी नजर कहीं से भी नजर नहीं आ रही है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इस बीच में एक ये भी आया कि जम्मू के लोग चाह रहे हैं कि उनको स्टेटहुड दे दिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग से स्टेटहुड दे दिया जाएगा? वो भी जाहिर है नामुमकिन है। तो जब कुछ चीजें सबसे बाहर आती तो उसके ऊपर बहस ऐसा भी हो पाता है। हाँ, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि कश्मीरी लीडरशिप अगर मुलाकात होती है तो स्टेटस को बहाल करने की बात जरूर करेगी, जरूर करेंगे। इसके ऊपर सवाल होगा कि 2 सालों में जो नया कश्मीर का वादा था उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये कि हजारों जो लोग मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनका क्या हुआ, और जिस तरह से यूएपीए का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, और अभी पिछले दिनों कुछ कोर्ट्स ने भी इसके ऊपर बहुत एडवर्स कमेंट दिए हैं कि जो भी गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हैं उनके खिलाफ ये यूज हो रहा है, और जाहिर है कि बहुत से कश्मीर के लोगों के ऊपर ये नाफिज किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी तमाम बातें होंगी, और ये क्या निकल कर आता है ये तो कहना इसका इंतजार करना। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर एम एम अंसारी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर एम एम अंसारी साहब साबिक इंटरलॉक्यूटर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को जानते हैं, मान रहे हैं कि देखिए इंतजार करना होगा और क्रॉस फिंगर्स रखनी पड़ेंगी कि क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी लीडरशिप पर भी है कि वो किस तरीके से अपने मौकिफ को आगे